शांत और संतुष्ट कैसे रह सकते हो? मैंने भी एक समय पर तुम्हारी ही तरह संघर्ष किया था, लेकिन फिर मैंने अजेरे कुंत्रा के सिद्धांत को अपनाया। अजेरे कुंत्रा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों के खिलाफ जाकर ईश्वर के योजनाओं को स्वीकार करना। जब भी हम अपने स्वाभाविक झुकाव के विपरीत कुछ करते हैं, हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। लेकिन अपनी इच्छाओं के खिलाफ जाना कितना मुश्किल होता है ना? हाँ, यह मुश्किल होता है, लेकिन यही तो असली परीक्षा है। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी अपने डर का सामना करना ही होगा और ईश्वर पर भरोसा करना होगा। बिल्कुल, याद रखो, ईश्वर की योजना हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तभी हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। थैंक्स ब्रो, तुम्हारी ये बातें मेरे दिल को छू गई और मुझे नई दिशा दी।